आप सभी को त्रेक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं प्रियो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। वो बात है विश्वास के ऊपर। यीशु ने कहा यदि राई के दाने के समान हमारा विश्वास हो तो इस पहाड़ को बोल उखड़ कर समुन्द्र में जा लग तो वो लग जाएगा। यानी विश्वास हमारा राई के दाने के समान छोटा नहीं बल्कि राई का दाना एक ठोस होता है और दाने जो होते हैं वो खोखले होते हैं, पर राई का दाना एक ठोस होता है। उस ठोस में कोई खोखलापन नहीं होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ राई के दाने के समान छोटा नहीं, राई का दाना इतना छोटा होता है पर लेकिन वो छोटा दाना एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। और बीज के अगर तुलना करें तो हालेलुया एक राय का दाना इतना छोटा होकर इतना बड़ा पौधा बन जाता है। उस बढ़ते हुए जिस तरह राय का दाना एक बढ़ रहा है वैसा विश्वास हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए। आमीन। अब विश्वास तो कर लिया, विश्वास के साथ हम किसी को भी कुछ बोल रहे हैं यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से वो हो जाए, पर वो होता नहीं है। कारण क्या है? देखो अगर हम यर्मिया की किताब पढ़ते हैं, यर्मिया की किताब में अगर हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन यर्मिया को क्या कहता है? यर्मिया को परमेश्वर का वचन कहता है 1:12 में, तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। एक बार फिर, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। यानी परमेश्वर तो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, फिर कौन सोए हुए हैं? हम। प्रभु तो हर दिन हर समय अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, पर हमारा उस राई के दाने के समान एक छोटा सा विश्वास बना रहता है और छोटे ही काम ही देखते हैं, उसको बढ़ते हुए बड़े विश्वास के साथ बोलते नहीं है। अब जब मान के चलो ये विश्वास हमने कर भी लिया, पर इसके पीछे एक और कारण है, वो कारण है प्रेम। हालेलुया। अगर हमारे अंदर अविश्वास है, हम अविश्वास से दूसरों को सिखा सकते हैं, हर बातें बता सकते हैं, बाइबल से पढ़कर बता सकते हैं, पर अविश्वास के साथ हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात है। यदि विश्वास है, अविश्वास है, तो अविश्वास के साथ हम दूसरों को सिखा सकते हैं, बुद्धि की बातें बता सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं, पर किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। आप यदि विश्वास के काम को प्रकट करना चाहते हो तो आपका जीवन एक प्रेम में जीवन होना चाहिए। आपके परिवार में आपकी बातें, आपका रहन सहन, आपका हर एक स्वभाव, आपके पड़ोस में आपके आसपास के घरों को पता होना चाहिए आपका स्वभाव कैसा है। हालेलुया। मान के चलिए आप गाड़ी चलाने वाले हो और किसी के बीच में आप बैठे हुए हो तो आपके माथे पे नहीं लिखा है आप गाड़ी चलाते हो और वहां जरूरत है एक ड्राइवर की, पर लेकिन जो व्यक्ति जानता है ये गाड़ी चलाता है और उसको विश्वास के साथ उसके हाथ में चाबी देगी और बोलेगी जाओ गाड़ी चलाओ। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम जब किसी के बीच में होते हैं और मसीह लोग होते हैं तो हमारे चेहरे पर मसीहत नहीं लिखा हुआ, हमारे हमारे कोई गले में मसीह का पट्टा नहीं बंधा हुआ, पर लेकिन आपके प्रेम के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा प्रकट होता है कि आप क्या हो। अगर हम वहां पर बातें बेकार की बातें, बेकार का कुछ बोल रहे हैं, हमारी संगति वही है जो पहले जीवन जीते थे, तो आप कितना भी विश्वास के वचन बोल रहे हो नहीं प्रकट होगा। पर यदि आपका जीवन प्रभु के अधीन और मनुष्य के सामने एक सच्चा जीवन है, आप विश्वास के इन बातों को बोलो, जो बोलोगे वो होगा।
आमेन, हालेलुया। वचन क्या कहता है, रोमियो के 10:17 में वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। वचन जो है वो परमेश्वर है, और जब परमेश्वर को जो सुनता है, यानी परमेश्वर जब किसी के जीवन में जाता है तो वो क्या है, विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना वो ये जानते थे यीशु कौन है। यहूदी लोग भी वचन सुनते थे, यहूदी लोग भी कान लगाते थे, पर यहूदी लोग यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं करते थे। पर जितनों ने यीशु कहीं पर भी अगर वचन सुनाने जाता था तो यीशु प्रचार करता था, उपदेश देता था। अगर पतरस के पास, सिमोन के पास अगर गया है, उसके पांच के लूका 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर पहले यीशु ने उपदेश दिया है। यानी पतरस जाल धो रहा है और क्या कर रहा है, सुन रहा है। हालेलुया। और सुनते सुनते पतरस के पास यीशु मसीह आता है और बोलता है, अपनी नाव गहरे में लेके चल। हालेलुया, अपनी नाव गहरे में लेके चल। और वो बोलता है, हे स्वामी सारी रात मेहनत करी, मैं जानता हूं मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मच्छियां रात को पकड़ी जाती है पर ये तो दिन है, मैं मुझे पता है स्वामी मैंने बहुत मेहनत करी है, पर लेकिन यदि तू कहता है तो मैं अपने नाव को गहरे में लेके चलता हूं। आमीन, हालेलुया। वहां पर यीशु के बारे में उसने सुना वो कौन है, उपदेश दे रहा था और पहचान गया कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इसलिए उसने सुना, सुनकर विश्वास उत्पन्न हुआ और उस विश्वास को एक्टिवेट कर दिया। उसने यीशु की सुनकर आगे कदम बढ़ाया। मच्छियां दिन के समय में ही पकड़ी गई। आमीन, हम प्रभु की बातों को सुनेंगे तो एक्टिवेट विश्वास हो जाएगा। पर उस एक्टिवेट विश्वास को करने से पहले हम जिस माहौल में जी रहे हैं, हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारा हर एक चीज प्रेम मसीह के स्वभाव के अनुसार होना जरूरी है, प्रेम के साथ होना जरूरी है। आप कैसा जीते हो, कैसा काम, कैसा बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। अब अगर आप प्रभु के काम देखना चाहते हो तो आप अपने चरित्र को बदलो और विश्वास के आप काम देखोगे। आमीन। तो मैं ऐसा करता हूं, प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे। हम एक वीडियो में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहिए। जय मसीह।